नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज। निर्मला सीतारमन ने विश्व बैंक IMF के बैठक में लिया भाग, कहा भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को लेकर चिंतित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 10 से 16 अप्रैल के दौरान हफ्ते भर की अमेरिकी यात्रा पर है। IMF की वसंतकालीन सालाना बैठक के दौरान वित्त मंत्री G20 देशों के अपने समकक्षों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित अन्य प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आपसी हित और सहयोग के मुद्दे और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पर ED का शिकंजा, बिहार और झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त और IAS अधिकारी छवि रंजन पर शिकंजा कसा है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के अधिकारियों ने छवि रंजन के पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में स्थित कई ठिकानों पर छापा मारा। सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत कोर्ट में सुनवाई, 2 साल की सजा को दी चुनौती। महानानी केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। बैंक शूटिंग के दौरान लोगों ने 911 पर कॉल कर बयां किया था डर, गोलाबारी में 5 लोग ही हुई थी। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में लुइसविले शहर स्थित एक बैंक की इमारत में मंगलवार को हुई गोलाबारी में कई लोग हताहत हुए थे। बैंक में अचानक कई हमलावर बिल्डिंग के अंदर घुस गए थे। इस गोलाबारी में 5 लोग की मौत और 8 अन्य घायल हुए। ठिकाने पर रेड 75 लाख की नगदी, 200 बैंक खाते। ईडी को मिला माफिया का काला चिट्ठा। मसपाल हत्याकांड में फंसे कुख्यात माफिया अतिक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अतिक के 15 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर करीब 75 लाख की देसी और विदेशी करेंसी बरामद की है। इसके अलावा करोड़ों रुपए कीमत की जमीनों के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह सारी जमीन अतिक अहमद की बेनामी संपत्तियां हैं और इन्हें अपराध के जरिए अर्जित किया गया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।